प्रशांत किशोर ने पटना में इतिहास रचते हुए जनसुराज जो अभियान अपना चला रहे थे जनसुराज पार्टी का ऐलान कर दिया है, साथ ही मनोज भारती को अध्यक्ष बनाया है। जो दलित समाज के भी हैं, यही जनसुराज का रास्ता है। और हम यहां देखे हैं कई नेताओं को जो अपने बेटे की पॉलिटिकल कैरियर सेट करते करते थक जाते हैं, मगर जो लगातार 2 सालों से पैदल चल रहे थे, जब अध्यक्ष बनाने की बातें आई तो एक दलित समाज से आए हुए एक शिक्षित, केवल वह दलित नहीं, प्रशांत किशोर यह बताते हुए बताते हैं कि केवल वह दलित नहीं है, IIT के स्टूडेंट हैं, निडरहाट के स्टूडेंट हैं और साथ ही UPSC निकालने वाले भी वह व्यक्ति हैं मनोज भारती। तो इस प्रकार से प्रशांत किशोर ने कई मानकों को तोड़ते हुए नजर आए। उसी के साथ ही इसी मंच से वह ऐलान कर रहे थे, यहाँ पर यह जो स्टेज बना था कल तक हम दिखा रहे थे और बता रहे थे कि इस स्टेज में एक ऐसी क्षमता है कि 5000 नेता यहाँ पर बैठेंगे। थोड़ा अटपटा लगा था, मगर देख रहे होंगे यहाँ पर पूरा एकदम 5000 लोग यहाँ पर, उससे ज्यादा ही थे, उससे ज्यादा ही लोग यहाँ पर प्रवेश कर गए थे। मगर साथ ही पूरे अगर पीछे तक जाएंगे तो ये तमाम कुर्सियों वाले जितने जगह है वह अभी भरा हुआ था। बाकी कई लोगों का दावा है कितना कितना भीड़ है, अभी तक हमने उसकी डाटा नहीं लिया है, जब वो आ जाएगा तो वह भी हम सुनाएंगे। मगर फिलहाल प्रशांत किशोर जिस प्रकार से वह भूमिका में जो नजर आ रहे थे, वह साफ था कि वह उन नेताओं को चुनौती दे रहे थे। वह केवल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को नहीं चुनौती दे रहे थे, या नरेंद्र मोदी को, या भाजपा नेताओं को चुनौती नहीं दे रहे थे, वह यह भी दे रहे थे कि किस प्रकार से राजनीति की जाती है और लोगों से कैसे मनवाया जाता है, वह साफ वह बोलते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही 25 से पहले जो 24 की बात वह कर रहे थे वह तो कर ही रहे थे, उसमें वह साफ ऐलान कर रहे थे कि लोगों द्वारा जो चुनकर आएंगे हम उनको, मतलब एक पार्टी कमेटी, वहां पर लोग अमेरिका की डेमोक्रेसी की बातें भी कर रहे थे कि कैसे राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वैसे हम विधानसभा में यहाँ उतारेंगे, ऐसे कई लच्छादार बातें करके वह कई मानकों को तोड़ रहे थे। साथ ही नेताओं की तरह कई सपने भी दिखा रहे थे और लोगों को यह मनवा रहे थे कि रोजगार पर आप बात करिए, बेरोजगारी कैसे मिटेगी, पलायन कैसे रुकेगा, शिक्षा कैसे दूर होगी, इस पर ज्यादा जोर रहा। बाकी यहाँ पर कई लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे, भारत हम लगातार खबरें लाते रहेंगे। चलिए, जनसुराज पार्टी बन चुका है और यहाँ पर आम लोग हैं, हम उन लोगों से बात करना चाहेंगे। महिलाएं हैं, कुछ बोलेंगी चाची? कुछ नहीं बोलेंगे। क्या लग रहा है अंकल जी प्रशांत किशोर को लेकर? सही काम जो उठाने हैं वो सही सही सोच है उनका, सही काम हो जाएगा। बोल रहे हैं जाति पाति से दूर हट को बिहार को सोचना पड़ेगा, क्या सोचेगा बिहार? जात पात के भेदभाव हटा देना होगा तभी बिहार विकसित होगा। हाँ, बिहार में तभी सुधार होगा जब जात पात से उठकर लोग, अच्छे लोगों का चुनाव जब होगा, अच्छे लोग आएंगे तभी बिहार विकसित होगा। हम तो उम्मीद है कि बिहार जाति पाति से ऊपर उठेगा, उठेगा उठेगा, उग चुका है, उग चुका है जाति पाति से, उग चुका है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में आप कितना उम्मीद देखते हैं? कुछ उम्मीद नहीं है, अब तो जनसुराज आगे आ गया, अब सब समाप्त होने वाला। मोदी जी, भाजपा, राजद, कांग्रेस, कुछ नहीं, सब समाप्त, इनका मैनिफेस्टो खत्म है। जनता को नेता के बात, नेता की बात ना सुने हम लोग, नेता आज तक 75 वर्ष से चलते आ गया, उसका बातें सुनते रहे हम लोग। कहाँ से आए हैं? पश्चिमी चंपारण से। पश्चिमी चंपारण से? हाँ, हम पीरपैंती प्रखंड, भागलपुर जिला पीरपैंती प्रखंड से, हाँ, कहलगांव के आगे किसान अध्यक्ष हूँ, सुनील कुमार पांडे मेरा नाम है। कौन सी के किसान अध्यक्ष है? पटिया ने बन ले, अभी पार्टी बन गया। अच्छा, बन गया। हाँ, बन गया, पार्टी का गठन हो गया। तो आप लोग अब क्या बिहार में चाहते हैं, क्या चाहेंगे प्रशांत? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यही चाहिए। आइए, करने के लिए प्रशांत किशोर जी आगे हैं, वो लोग तो जात पात में बांटकर उलझा के रखे, तो पूरे बिहार को बर्बाद कर दिए लोग। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं बोलने के लिए, तो अभी बोल लिए हैं। चलिए, तो अभी हम रहने देते हैं, कई लोगों से बात कर रहे हैं, कई लोगों से पूछ रहे हैं, बाकी लगातार हम कवरेज कर ही रहे हैं कल से, आप लोग देख रहे होंगे। कैमरे के पीछे आदित्य है, मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।